हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हे दोस्तों, मैं सौरभ त्यागी आपका स्वागत करता हूं फिट फॉर हिट में। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग डेट करना पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये साल 2018 शुरू हुआ था तो तभी एक F8 डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें फेसबुक ने घोषणा की थी कि फेसबुक जल्दी ही अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक डेटिंग फीचर लॉन्च करेगी और फेसबुक ने पिछले महीने डेटिंग फीचर का टेस्ट करना भी शुरू कर दिया था और फाइनली अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च भी कर दिया है। लेकिन ये सेवा केवल कोलंबिया के यूजर्स के लिए शुरू की है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं यार, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी से ये उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वो जल्दी ही सभी देशों में इसकी शुरुआत करेगी। अभी फिलहाल ये डेटिंग सर्विस केवल मोबाइल पर उपलब्ध है और वर्तमान में यानी कि करंटली एंड्रॉयड और iOS के लिए फेसबुक ऐप में उपलब्ध है। दोस्तों, अभी फिलहाल कोलंबिया के यूजर्स एक फेसबुक डेटिंग प्रोफाइल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये फीचर आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसा कि फेसबुक द्वारा पहले बताया गया था, डेटिंग सेवा फेसबुक ऐप में ही मौजूद होगी केवल, यानी कि वेबसाइट पे ये उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल ऐप में ही है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की जितनी भी डेटिंग एक्टिविटी होंगी उसकी प्राइवेसी का फेसबुक ने खास ध्यान रखा है और इसकी वजह यह है कि ये यूजर आपका जो नॉर्मल प्रोफाइल है फेसबुक का, उससे इसका प्रोफाइल अलग होगा, यानी कि अपना आपको दूसरा अकाउंट खोलना होगा। फेसबुक डेटिंग में कोई भी डेटिंग प्रोफाइल सेटअप कर सकता है, अपने आसपास की जितने भी इवेंट्स और ग्रुप्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकता है और किसी भी एक इवेंट के लिए आप साइन अप कर सकते हो और फिर उसके बाद में फेसबुक उन लोगों को मैच करेगा जो एक ही इवेंट को सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल फ्रेंड्स। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल बातचीत सिर्फ चैटिंग से हो सकती है और वो भी टेक्स्ट ओनली, यानी कि आप इमेज शेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू आप बात कर सकते हैं। अगर आपको चैटिंग शुरू करनी है तो आप इसे डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको सामने वाले के प्रोफाइल पर कमेंट करना होगा और यदि वह इसका जवाब देता है तो एक तरह से सामने वाले का कंसेंट आपको मिल जाएगा और चैट चैनल ओपन हो जाएगा। दोनों लोगों के बीच में हुई बातचीत जो कि सिर्फ टेक्स्ट ओनली होगी, फेसबुक डेटिंग चैट में ही स्टोर रहेगी। दोस्तों, फेसबुक डेटिंग के प्रोडक्ट मैनेजर नाथन शार्प ने बताया था कि टीम का लक्ष्य, वो टीम जो फेसबुक डेटिंग फीचर्स को डेवलप कर रही है, उस टीम का लक्ष्य ये है कि फेसबुक को ऑनलाइन रिलेशनशिप शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह बनाना है। फेसबुक की डेटिंग सुविधा अभी सिर्फ कोलंबिया में शुरू हुई है और जल्दी ही दूसरे देशों में भी इसकी शुरुआत की उम्मीद करते हैं दोस्तों। हालांकि कंपनी ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी से दोस्तों ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो जल्दी ही दूसरे देशों में भी इसकी शुरुआत करेगी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।